जिला ऊना के हरोली थाना क्षेत्र में गुंडा तत्व कानून को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में गांव घालूवाल के चौक पर बाइक सवार दो अज्ञात लोगों ने एक कार में सवार हरोली के चार लोगों पर 3 राउंड गोलियां चला दी। गोलियां गाड़ी के नंबर प्लेट और शीशे पर लगी। गनीमत ये रही कि इस गोलीकांड में कार सवार बाल बाल बच गए। हालांकि एक युवक हाथ पर गोली के छर्रे लगने से घायल हो गया। वारदात के बाद से दोनों अज्ञात बाइक सवार फरार हैं। डीएसपी हरोली मोहन रावत का कहना है कि पुलिस वारदात की जांच में जुटी है। पुलिस की टीम हमलावरों की तलाश में जुटी है। इसमें ऐसा है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है कोई 9:45 के आसपास कि गाड़ी के ऊपर कुछ अज्ञात बाइक सवार जो हैं, वो दो बाइक सवार उन्होंने घालूवाल चौक से थोड़ा आगे एक गाड़ी के ऊपर, जो लोकल व्यक्ति की गाड़ी है, उसके ऊपर 2-3 राउंड गोलियां फायर की है और वहां से भाग गए हैं। तो इसके ऊपर जो इंजर्ड है, एक लड़का है, उसके हाथ में गोली लगी है, तो उसका हम मेडिकल करवा रहे हैं। और जो है उन अज्ञात लोगों के खिलाफ़ हम FIR रजिस्टर करके इसमें आगामी तफ्तीश जारी है और हम भी मौके पर ही हैं। हर तरह से नाकाबंदी की गई है और जो भी फरार मुलजिम है उनको पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है पुलिस के सर, द्वारा। प्रथम दृष्टया कुछ पता चल पाया है कि कौन लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई और क्या कारण है? इसमें अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी जस्ट FIR रजिस्टर्ड हुई है और हम अभी फील्ड में ही मौजूद हैं और इसमें हर संभव पहलू को देखते हुए हम काम कर रहे हैं, पुलिस टीम काम कर रही है। थैंक यू सर। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.